बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया फिगर के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, उमर असाम जर्जीस जो एक ईसाई हैं, इनके कुछ रिश्तेदारों ने इस्लाम शिया मज़हब कबूल किया। इनकी वजह से उमर असाम जर्जीस को इस्लाम समझने की तरफ दिलचस्पी पैदा हुई और मुसलमानों के मुतल्लिक जानने के लिए मुख्तलिफ मुसलमान लोगों से मिला और इस्लामी कुतुब का मुताला किया और मुसलमान हो जाने वाले रिश्तेदारों से भी मुलाकात की और वो वजूहत दरियाफ्त की जिसकी वजह से उन्होंने ईसाई मज़हब छोड़कर शिया इस्लाम कबूल किया। जिस आलम की मार्फत उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हुज्जतुल इस्लाम अली आरिफ अल मुसवी ने बताया कि उमर असाम जर्जीस को दीन इस्लाम और शिया मज़हब के बारे में अच्छी मालूमात थी क्योंकि उसने अपनी फूफियों और दोस्तों के साथ बहुत सी बातें की थी, लेकिन फिर भी वो कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं जानते थे जैसे कि नमाज और रोज़ा और दीगर मजहबी अहकाम वगैरह। उन्होंने वजाहत की कि इसके बाद वो ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के लिए करबला गए। ये ईसाई करबला से मज़ीद ज़ियारत के लिए यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। वहाँ मातम और रूहानियत के माहौल से बेहद मुतासर हुआ और हुज्जतुल इस्लाम आरिफ अल मुसवी से मज़ीद रहनुमाई लेते हुए इस्लाम और शिया मज़हब इख्तियार किया। शिया ऑनलाइन के मुताबिक इस सिलसिले में रोज़ा मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सकाफ़ती शोबे के अहदेदारों में से एक अली आरिफ अल मुसवी ने इस खबर का ऐलान करने के बाद कहा, इस ईसाई शहरी का नाम उमर असाम जर्जीस है। उन्होंने रोज़ा मुबारक की ज्यारत के दौरान ही इस्लाम मज़हब असना शरिया कबूल किया। अली आरिफ अल मुसवी ने मज़ीद कहा कि यह नौजवान जो हाल ही में शिया हुआ है, इसके पास माजी में अपना मज़हब तब्दील करने की एक अच्छी वजह थी क्योंकि उसकी दो फूफियों ने इस्लाम और शिया मज़हब इख्तियार कर लिया था और वक्त गुजरने के साथ साथ इसने अपनी तहकीक से मज़हब तब्दील किया। इसमें अहम किरदार इनकी फूफियों का है जिन्होंने उमर असाम को हक सच की फ़िक्र और रह निजात के दरियाफ्त में हरकत पैदा की। उमर असाम ने इस्लाम और मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम को खुलेआम कबूल किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस तरह की दीगर वीडियो के लिए हमारे चैनल शिया फिगर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।